बुदिया अरे गुजर रे चल घसिया साफ कर दे जा। अरे बाप रे ए जा जा ओम नमः शिवाय होने जा। अरे मम्मी हेलो, मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति पे। जय श्री राम। और अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। तो आज की वीडियो में आप सब बोलती हैं आप कुछ गा के बताइए, गा के आज मैं आप सबको सुनाऊंगी भय प्रकट कृपाला। लेकिन उससे पहले लेके चेहरे पे स्माइल प्लीज क्लिक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और चलती हूँ मंदिर में और मिलती हूँ मैं आप सबसे वहीं। तो चलिए चलते हैं। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुह कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंत माया गुर ज्ञान कीत अमान वेद पुराण अनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संत सो मम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उता। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे से रहा नहीं गया। और यहाँ बाल्टी लगा देती हूँ तो थोड़ा सा पानी जो होता है वो रख लेती हूँ। तो बरसात का पानी जो है वो रखना चाहिए, उससे कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये सब चीज़ें तो प्राकृतिक की हैं और पानी तो बचाना ही चाहिए। तो वही और मैंने सोचा थोड़ा सा अब आ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी मस्ती कर ही लूँ। तो बस मैं शुरू हो गई थोड़ी सी मस्ती, और ज़्यादा मस्ती नहीं क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ही है आज। तो अब मैं आती हूँ घर में क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं और मैंने आज बहुत कपड़े धोए थे, सारे के सारे भीग गए, फिर से मुझे सुखाने पड़ेंगे। तो फाइनली हमारी पूजा जो है वो हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ही नहीं, पूरा देश आज खुश है क्योंकि राम मंदिर वाला शिलान्यास हो गया है, बहुत खुशी हुई। तो अभी कुछ बनाऊंगी स्पेशल और ये वीडियो शायद आज ना आके कल आए क्योंकि लाइट की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी घास है ना तो मैं जा रही हूँ थोड़े से ये कपड़े चेंज करूँगी। और पता है हस्बैंड भुट्टे लेके आए हैं क्योंकि मुझे भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको नहीं पसंद, वो बिल्कुल नहीं खाते, वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो मैं भुट्टे भी भूनने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है मैं आप सबको ऐड करके ज़रूर दिखाऊंगी। और थोड़ा सा ये घास थोड़ा साफ़ कर दूँ, इतने ज़्यादा सांप बिच्छू आ जाते हैं। और फिर मैं उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। और ये चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या काम है क्योंकि आज तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही भगवान जी के लिए भी। और कल के बाद परसों ना व्रत है, उस जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, तो उसका भी ब्लॉग आने वाला है। इसीलिए बोलती हूँ ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी वीडियो आप सबसे कोई भी मिस ना हो। अभी मैंने इयररिंग निकाल दी है, थोड़ा कान सुना सुना लग रहा है ना, पता है बड़े बड़े इयररिंग पहन के रहा नहीं जाता और सोना मुझे पसंद नहीं है तो थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ चेंज करूँगी और किचन में फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। चलिए चलते हैं अब हम अपने किचन में।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आज की आप सबको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और याद से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है गांव की शांति। तो और ऐसे ही कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। आज मैंने इतना सारा सफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने दिखाया भी, गोजर निकला, सांप, बिच्छू, ये इन सबसे मुझे दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं कर पाती हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मैंने कोशिश की अच्छा करने की, और थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और ये देखिए पेड़ देखिए हमारे घरों में, घर में, हमारे घर में, और मैं अभी दिखाती हूँ, वो देख रहे हैं वो सारे पेड़ जो है ना, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आई थी कि वो सारा गिर गया है। और मेरी बेटी बदमाशी कर रही है, वो आवाज़ें निकाल दी जानवरों की, तो ध्यान मत दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए। आई जगवाई, बाय बाय, मैं उसको जाके जगवाती हूँ, आवा तो नहीं रुक।